सब्सक्राइब कीजिए टेक टॉयज को और बेल आइकन को दबाइए इसी तरह के कस्टमर रिव्यू देखने के लिए। हेलो गाइस, टेक टॉयज में आपका स्वागत है। मैं सुमित वर्मन। सो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एमकेट का एक्साइट प्रो कॉम्बो। ये जो किट है कॉम्बो जो है, ये कीबोर्ड और माउस का जो कॉम्बो है उसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये एक रिन्यूड प्रोडक्ट है। इसका जो मुझे प्राइस पड़ा है इसका 230 के करीब पड़ा है। तो ये एक रिन्यूड प्रोडक्ट है इसलिए थोड़ा कम है। और इसका जो न्यू का प्राइस आपका 550 ऐसे कुछ है। सो आप देख सकते हैं, मैं नीचे लिंक दे दूंगा रिन्यू और नया दोनों का। तो ये देख सकते हैं आप। ये गाइस, ये पहली बार ये अमेजोन से आया है, लेकिन इसका जो बॉक्स का जो आगे पीछे कहीं भी अमेजोन का लोगो नहीं है या अमेजोन का नामो निशान नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ भी शायद नहीं है। तो यहाँ भी अमेजोन का कोई नामो निशान नहीं है। तो इस तरह ही आया है मेरे, और कुछ अलग एक्स्ट्रा पैकिंग नहीं था। सो यहाँ से भी खुला हुआ लग रहा था, लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन भी देख सकते हैं यहाँ से भी ब्रेक एंड ब्रोक है। यहाँ से भी खुला गया लग रहा है, टेम्पर्ड है, और यहाँ से ठीक ही है। तो चलिए खोल लेते हैं इसको। सो इसका आप देख सकते हैं कि फीचर्स में वन टच मल्टीमीडिया कंट्रोल, स्पिल रेजिस्टेंट दोस्तों वो होता है जिसमें आप, जैसे कि अगर गलती से आपका पानी गिर गया कीबोर्ड के ऊपर तो आपका ये कुछ ख़राब नहीं होगा कीबोर्ड, तो उसका मतलब स्पिल रेजिस्टेंट ऐसे। तो जल्दी से खोल लेते हैं इसको। यहाँ भी लगा हुआ है टेप। सो गाइस, ये देख सकते हैं इस तरह होगा, इस तरह खुलते है। तो यहाँ हमें माउस मिल जाता है, देख सकते हैं हम। ये जो है ये माउस है, इसका डिजाइन कुछ इस तरह है, एमकेट लिखा हुआ है। और इसके अलावा ये जो देख सकते हैं, ये जो है 1000 dpi वाला माउस है। ये राइट लेफ्ट राइट, ये स्क्रॉल। तो ये रिन्यूड है, यानी थोड़ा यूज किया हुआ होगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं इसमें जो लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं एक्साइट प्रो और कुछ सीरियल नंबर वगैरह लिखा हुआ है। इसके अलावा हमें मेन कीबोर्ड मिल जाता है इस कॉम्बो में। ये कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है, पैकिंग डिसेंट है, ये देख सकते हैं। यहाँ शॉर्टकट की दिया गया है, होम बटन वगैरह, ये मैसेज वगैरह, ईमेल वगैरह के लिए, और यहाँ प्ले पॉज के लिए दिया गया है शॉर्टकट की। और ये जो है ये रबर का है, ये जो साइड में जितने भी हैं ये रबर का बटन से। और ये जो है ये प्लास्टिक का है, और पीछे इस तरह का है। तो इससे पहले मैंने कुछ दिनों पहले ये प्रोडक्ट का लिया था, तो उसका क्या हुआ था कि ये जो इसको खोलते ही ये टूट गया था उसका। इसका देख लेते हैं। तो इसका तो आराम से खुल गया, टूटा नहीं है। वो तो खोलने के साथ साथ ही टूट गया था। इस तरह आप ऊंचा रख सकते हैं आगे को उठाकर। तो इस तरह का कुछ है कीबोर्ड, इसका USB। अच्छा, यही है गाइस, इसमें ये दोनों ही हमें मिलता है। इसका लिंक दे दूंगा मैं नीचे। अभी शायद अनेवेलेबल हो जाए, क्योंकि ये शायद एक ही बचा हुआ था स्टॉक में। सो यही है, 1000 dpi का माउस है और ये कीबोर्ड है। सो गाइस, ये जो मेरा ये एमकेट का ये जो है कॉम्बो जो मैंने है, ये जो कॉम्बो का एक जो काम नहीं कर रहा है, ये जो माउस जो है, ये माउस काम नहीं कर रहा है, देख सकते हैं। इसका लाइट भी नहीं जल रहा है। इसका जो मैंने ये जो वायर है, इसको यहाँ से अगर देख सकते हैं, तो इसको इस तरह ही लगाया जाता है, जितना तक मुझे पता है इस तरह ही लगाया जाता है। मैं इसको अगर दूसरा पोर्ट में भी लगाता हूँ, दूसरा USB पोर्ट में, जैसे कि इसमें लगाता हूँ, इसमें भी नहीं जल रहा है, देख सकते हैं नहीं जल रहा है। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं, इसकी जगह में मैं अगर ये जो है मेरा, प्रोडक्ट का है, इसको मैंने अभी तक वापस नहीं किया है। इसका देख सकते हैं, इसका लगाने के साथ साथ ही चल जाता है, इसका फोन काम करने लगता है। ये देखिए काम करने लग रहा है। तो इसका जो है
तो ये काम करने लग रहा है, लेकिन ये जो है ये काम नहीं करने लग रहा है, ये नहीं काम कर रहा है। इसको मैं लगाता हूँ तभी भी काम नहीं कर रहा है। सो रिन्यूड प्रोडक्ट का यही मतलब खामियां होता है कि कोई कोई प्रोडक्ट काम नहीं करता है अच्छे से। सो देख सकते हैं आप, कुछ भी नहीं हो रहा है। सो इसका ये ख़राब है, इसको मैं रिटर्न करने वाला हूँ। तो ये एमकेट का जो है किट है, इसको मैं रिटर्न करूँगा, और जो मेरा प्रोडक्ट का जो है उसी को रहने दूंगा, वही यूज़ करने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये भाई ये नहीं हो रहा है तो मेरा किस काम का है। सो इसमें इतना ही बताना था। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।